अस्सलामुअलैकुम। क्या आप भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखते ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले आप तो सॉफ्टवेयर तो यूज़ करना आना चाहिए, जैसे ते एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेशन, कोरल ड्रॉ, गिम्प एंड सो ऑन। लेकिन क्या आप भी इन सब सॉफ्टवेयर तो बगैर यूज़ किए प्रोफेशनल ग्राफिक बनाना चाहते हैं, जिसे देख कर हर कोई हैरान रह जाए? तो ये वीडियो तोस आपके लिए ही है, और इस वीडियो तोस में मैं आप तो सिखाऊंगा कि आप कैसे किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ ना किए बगैर एक प्रोफेशनल लेवल ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। और इस कोर्स के लिए आप तो सिर्फ एक इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी कनेक्शन की, और आपके पास तो ही सब भी एक अकाउंट होना चाहिए। तो देखिए, सवाल आते थे हम किस तरह किसी भी सॉफ्टवेयर के बगैर जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो जवाब है कि हम एक ऑनलाइन टूल का यूज़ करे दे। तो ये ऑनलाइन टूल जो है ये है canva.com, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इनकी वेबसाइट में जो है बिल्कुल फ्री ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी वेबसाइट पे अकाउंट बनाए दे। तो अकाउंट बनाने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ आने के बाद आप तो ये मैसेज शो ताड़ा होएगा। अब आप चाहे तो आप यहाँ से गूगल और फेसबुक से डायरेक्टली साइन अप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरा ईमेल है तो आप यहाँ क्लिक करिए साइन अप विद ईमेल, और आप यहाँ अपना नेम, ईमेल और पासवर्ड चूज कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ क्लिक कर दीजिए टेस्ट स्टार्ट इज फ्री। तो जैसे ही आप तो अकाउंट बन जाएगा, आप तो ये मैसेज शो करेगा तो आप तैनवा तिश्ते रही यूज कर रहे हैं। आप कुछ भी चाहे यहाँ से चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आप तो रिकमेंड करूँगा तो आप यहाँ से पर्सनल ऑप्शन तो चूज करिए। पर्सनल ऑप्शन चूज करने बाद यहाँ मे बी लेटर पे कर दीजिए, क्योंकि हमें तैनवा का प्रो वर्जन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ जितना भी ग्राफिक डिजाइनिंग करे दे वो हम फ्री में करे दे। तो देखिए, सबसे पहले आप तो जो है आप तो ये इंटरफेस मिलेगा जब भी आप अपने अकाउंट से जो है canva.com पे लॉगिन करे दें। तो यहाँ ये देखिए, आप तो बहुत सारी टेम्पलेट्स मिल जाती है। आप तो जिस चीज़ की भी चाहिए उस चीज़ की आप तो यहाँ टेम्पलेट मिल जाती है। आप तो रिज्यूम की टेम्पलेट्स मिल जाती है, ब्लॉग बैनर, वीडियो प्रेजेंटेशन, पोस्टर, फेसबुक कवर, आप तो यहाँ लगभग जो भी मेन कैटेगरी में आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं उन सब की आप तो जो है टेम्पलेट यहाँ मिल जाती है। तो टेम्पलेट जो है वो हम आने वाली वीडियोस में एते तरते जो है उन पे बात करे थे और देखे देते किस तरह हर टेम्पलेट जो है वो काम करती है और किस तरह हम उन्हें एडिट करते हैं। तो यहाँ जो है आप तो बहुत सारी टेम्पलेट मिल जाती है, लेकिन इस पार्ट में जो हम सिंपल एडिटर यूज देखे दे। तो उसके मैं यहाँ से कोई भी ये टेम्पलेट चूजता लेता हूँ, जैसे थे मैं यहाँ से ये लोडो वाली टेम्पलेट चूजता लेता हूँ। तो ये देखिए, हमने जो टेम्पलेट ओपन की थी ये ओपन हो दी। तो सबसे पहले बात करती है तो ये जो हमारे पास कलर है बैकग्राउंड, इसे चेंज करना है तो हम क्या करे दे। तो देखिए, इसे चेंज करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ क्लिक करे दे। आप देखते हो तो इसके शेडो में जो है ब्लू तरह का बॉर्डर आ गया है। तो तैनवा में आप जो भी तो चीज़ तो सिलेक्ट करे दे तो उसके आर पार जो है ब्लू तरह का बॉर्डर आ जाएगा। इससे ये पता चलता है कि हमने ये चीज़ सिलेक्ट कर लिया है। तो अब हम जो भी चेंजेस अप्लाई करे दे वो सिर्फ इस चीज़ पे होए दे। तो कलर बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप यहाँ ऊपर जाइए, देखिए ये आ रहा है बैकग्राउंड कलर। आप यहाँ क्लिक करे दे तो आप तो बहुत सारे जो है कलर यहाँ मिल जाती, जैसे थे आप यहाँ क्लिक करे थे किसी भी कलर पे तो वो कलर अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने तो अपना जो है कस्टम कलर तोड़ दे ऐड करना है तो उसके लिए आप यहाँ न्यू कलर पे ऐड कीजिए, और यहाँ आप जो है इसे आप रेस करिए और अपना जो है कलर तोड़ यहाँ ऐड कर दीजिए। तो अगली चीज़ आप हम देखे थे ये जो शेड के ऑप्शन आ रहे हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले ये सबसे पहला जो ऑप्शन है ये है टेम्पलेट्स का। यहाँ आप तो जो है बहुत सारी टेम्पलेट्स मिल जाएगी,
उसते रिलेटेड जो आपने स्टाइल चूज किया होए दा, यानी ते जो टेम्पलेट यू चूज की होए दी, उसी टेम्पलेट से रिलेटेड बहुत सारी टेम्पलेट आप तो यहाँ मिल रही होए दी। और भी बहुत सारी देखिए यहाँ पहले से बनी हुई जो है टेम्पलेट आ रही है, जिन्हें हम सिलेक्ट कर सकते हैं और उन पे थोड़े बहुत चेंज डालते अपने डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन आता है अपलोड का, इसे हम अगले पार्ट में देखे दे क्यों ते अभी हम जो है हम बेसिक चीज़ों पे बारे में बात कर रहे हैं। तो थर्ड चीज़ आती है फोटोज का, तो देखिए आपने जो है इस अपने डिज़ाइन में तो इमेज वगैरह ऐड करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ फोटो पे क्लिक करिए। तो आप तो जो है बहुत सारी जो है नॉन कॉपीराइट और फ्री फोटो जो है वो यहाँ मिल जाती है, जिन्हें आप अपने डिजाइन में यूज कर सकते हैं और इनका कोई भी कॉपी राइट जो है आप तो कोई भी मसला नहीं आएगा। तो देखिए जैसे थे देखिए बहुत सारी इमेजेस जो है ये यहाँ आ दी है। तो अब मैं यहाँ तो इमेज लगाना चाहता हूँ, जैसे थे ये वाली इमेज है तो मैं चाहता हूँ यहाँ लगाऊँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सिंपली मैं इसे क्लिक करूँगा, तो ये देखिए ये इमेज जो है ये अभी लोड हो जाती है। तो ये देखिए इमेज जो है ये यहाँ लोड हो दी। तो देखिए अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। देखिए जैसे थे मैंने ये इमेज जो है ये यहाँ ले तो आया हूँ, लेकिन अब देखिए ये मैं यहाँ रात दे तो लेती यहाँ ठीक तरीके से जो है आप देख रहे हो तो ही सेंस नहीं बन रही। देखिए यहाँ ज़्यादा स्पेस है और यहाँ ज़्यादा स्पेस है और यहाँ थोड़ी सी स्पेस है। तो कैनवा में जो है आप तो एक बहुत ही अच्छा फीचर मिलता है, वो ये है कि आप हर चीज़ तो परफेक्टली अलाइन कर सकते हैं। अगर आपने ये चीज़ सेंटर में रखना है तो आप सिंपली उस पे क्लिक करिए। तो अब आप तो अगर मूव करानी है इमेज तो सिंपली आप उसे क्लिक करिए और अपने माउस को ड्रैग करिए, तो आप नोटिस तारे हुए दे देखिए जैसे मैंने यहाँ रखी इमेज तो ये अलाइनमेंट सी आ दी। तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ करता हूँ तो ये देखिए अब ये हमारी इमेज जो है बिल्कुल सेंटर में आ दी है। तो अगर आप चाहते हैं तो ऊपर नीचे से भी सेंटर में आए, तो ये देखिए मैं थोड़ी सी ऊपर तरफ, तो ये देखिए अब मैंने यहाँ किया तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। यहाँ आप तो जो है इंटरसेक्ट पॉइंट आ रहा है दा, ये बिल्कुल यहाँ दो लाइनें त्रोस डाली, ये अब हमारी इमेज जो है बिल्कुल सेंटर में आ गई है। तो ये परफेक्टली अलाइन है। तो देखिए कितने आसानी से हम अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो फोटो से रिलेटेड अगली जो चीज़ है वो है एलिमेंट्स। अब बात एलिमेंट वाले सेक्शन में क्लिक करते हैं तो आप तो बहुत ही सारे जो है वो डिफरेंट एलिमेंट मिल जाते हैं। बेसिकली एलिमेंट जो है उसमें आप दृश्य आ जाते हैं, फ्रेम आ जाते हैं, चार्ट और कोई भी एलिमेंट जो है वो आप तो यहाँ एलिमेंट्स में मिलेगा। ये सत्य थे आप तो यहाँ दृढ़ भी मिल रहा है। मिसाल तौर पे सबसे पहले मैं इमेज तो जो है टेंसिल तल देता हूँ। तो ये देखिए मैं चाहता हूँ कि मेरा डिज़ाइन जो है मेरे डिज़ाइन में दो इमेजेस आए, एक यहाँ और एक यहाँ। तो उस तेरे जो है आप यहाँ दृढ़ता यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ आप एरो क्लिक करें तो आप तो और जो डिज़ाइन है दृढ़ते मिल जाते, नहीं तो आप यहाँ किसी भी चीज़ के ऊपर सी और आर है सी और पे तरे दे तो उसके सारे जितने भी उससे रिलेटेड ऑप्शन हुए थे वो यहाँ आ जाए थे। तो मैं जैसे ये दरम्यान में दो वाला करना चाहता हूँ, तो ये देखिए अब एक मेरी इमेज यहाँ आएगी और एक इमेज यहाँ आएगी। मैं आपको तो ऐड करते भी दिखा दे, तो इमेज जैसे देखिए मैंने एक इमेज यहाँ क्लिक की और एक इमेज ये आई, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करते यहाँ दिया तो ये इमेज यहाँ आ दी। तो आप नोटिस तारे हुए दे तो ये इसके बीच में जो है थोड़ा सा डैप आ रहा है। तो अगर आपने इस डैप तो कम या बढ़ाना है तो उसके लिए आप क्या करिए, आप यहाँ डबल क्लिक करिए, यहाँ यहाँ आपने डबल क्लिक करना है। तो यहाँ आप तो ऊपर ऑप्शन आए द स्पेस चिंता, तो आप जैसे स्पेस में क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये स्लाइडर जो है ये 10% पे, अगर मैं इस तो ज़्यादा करता हूँ तो बीच में जो स्पेस हुई थी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर मैं तम करता हूँ तो ये तम हो जाएगी। अगर मुझे बिल्कुल ही ख़त्म करनी है ये स्पेस तो मैं बिल्कुल इससे 0 पे तर दूँ, तो आप देख रहे हो बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। अगर आपने तो इमेज जो आपने यहाँ लगाई है उसे आप मूव करना चाहते हैं, जैसे तो मैं चाहता हूँ तो ये जो हैंड है ये थोड़ा सा हैंड की जो इमेज है वो ना इसके पीछे वाली जो इमेज है वो आए, तो सिंपली मैं इस पर डबल क्लिक करूँ द इमेज पे, तो आप देख रहे हो जो और शेडो तो ऑप्शन है वो थोड़ा सा हाईलाइटेड
से आउट हो गया है, तो आपके तरफ सिंपली यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप था तो इससे यहाँ ले आई है। तो आप देते हुए दे जो बिल्कुल क्लियर आ रहा है वो हमारा जो है डिज़ाइन में आ रहा है, और जो थोड़ा सा फेडेड हो गया है वो उसका मतलब है तो वो चीज़ डिज़ाइन से बाहर है। तो सिंपली आप यहाँ ऊपर डन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए आप, हमने जो अपनी इमेज थोड़ी सी इधर तर दी है। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम बात करते हैं टेस्ट के बारे में। तो ये देखिए टेस्ट अगर आपने ऐड करना ही आए तो कोई भी चीज़ जहाँ आपने लिखनी है तो सिंपली आप टेस्ट वाले पोर्शन में जाइए। तो टेस्ट वाले पोर्शन में जो है सबसे पहले ऊपर देखे दे आप तो तीन किस्म के टेस्ट मिले दे, ए सबसे लिटल बिट ऑफ बॉडी टेस्ट, उसके बाद सब हेडिंग और फिर हेडिंग। लेकिन आप देख रहे होते नीचे आप तो जो है कुछ और भी जो है बहुत सारे प्री बिल्ड टेस्ट जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इन तो इस्तेमाल करना चाहते हैं इनमें से तो इससे भी, तो आप सिंपली क्या करना है उस चीज़ पे जो है क्लिक करना है, तो यहाँ आपकी जो है वो डिज़ाइन में आ जाएगी। तो ये देखिए डिज़ाइन में आ दी। लेकिन अगर आप किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं तो वो आपके डिज़ाइन में ऐड नहीं होती, तो उस तेरी आपके तलिया आप उस एलिमेंट पे जाइए और उस पे राइट क्लिक करते आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते यहाँ ले आइए अपने डिज़ाइन में। तो ये देखिए यूँ आप ऐड कर सकते हैं। और अब आप इसमें जो है डबल क्लिक करिए तो यहाँ आप ऊपर देख रहे हो देते आप यहाँ से जो फ्रंट वाला है वो चेंज कर सकते हैं, साइज वाला चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कलर चेंज करना है तो ये देखिए ये नीचे छोटा सा जो है कलर सी लाइन आ रही है, यहाँ क्लिक करे दे आप यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। उसके बाद अगर आपने इसे बोल्ड करना है तो आप यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट, अगर आपने सारे कैपिटल जो है वो स्मॉल करना है, सारे लेटर जो है वो कैपिटल करने वो कर सकते हैं, आप यहाँ से लिस्ट बना सकते हैं, आप यहाँ से स्पेसिंग जो है ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये देखिए लेटर स्पेस यानी कि लेटर से हर लेटर से अंदर कितनी स्पेस होगी वो आप चेंज कर सकते हैं, और हर लेटर जो है उसके बीच में कितना गैप हो रहा है, यानी कि अगर ये लेटर लिखा हुआ है और उसके नीचे भी तो लेटर लिखा हुआ है तो आप इन दोनों लेटर के बीच में जितनी स्पेस हुई थी वो है आपकी लाइन हाइट। तो देखिए अगर मैं इसे बढ़ा देता हूँ तो ये ज़्यादा होती, अगर मैं इसे कम कर देता हूँ तो ये जो है हाइट कम होती। अगली चीज़ है इफ़ेक्ट, आप चाहे तो यहाँ बहुत सारे इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो जो इफ़ेक्ट वाला पोर्शन है वो आप पे डिपेंड कर रहे थे आपने कौन सा स्टाइल चूज़ किया है। तो ये तो बात होती थी हम किस तरह जो है ये जो पहले से स्टाइल आ रहे हैं टेस्ट वो ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई तो चीज़ डिलीट करनी है तो सिंपली क्लिक करिए और डिलीट वाले पे क्लिक करिए। तो ये देखिए आप देखते हुए देते सिर्फ थ्रेट डिलीट हो रहा है, पूरा क्यों नहीं डिलीट हो रहा। तो आप क्या करिए आप यहाँ थोड़ा सा उसके ऊपर क्लिक करिए तो ये देखिए डिलीट कर लीजिए। लेकिन अगर आपसे तब भी नहीं डिलीट हो रहा तो आप सिंपली उसे सेलेक्ट करिए उस चीज़ तो, और यहाँ आप तो ऑप्शन आ रहा है डिलीट पे, आप डिलीट पे क्लिक कर दीजिए। तो सिंपल टेस्ट अगर आपने ऐड करना है तो उस तरीके आप यहाँ से तीनों में से तो इसी भी हेडिंग चूज कर सकते हैं, आप बाद में जो है साइज बढ़ा भी सकते हैं। मैं अगर पर्सनली बात हो तो मैं ये सबसे छोटा वाला जो है हेडिंग वाला साइज इसे चूज करता हूँ, बाद में मैं यहाँ से हेडिंग बढ़ा लेता हूँ। उसी तरह अगर आपने इधर उधर रखना है तो ये देखिए आप इसे इधर उधर रख सकते हैं। अगर आपने बीच में चेंज करना है तो आप डबल क्लिक करिए और उसे बैक स्पेस से रेस कर लिए और कुछ भी यहाँ लिख दीजिए। उसके अलावा अगर आपने हाइट बढ़ानी है तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, दूसरी अगर आपने यहाँ बनानी है हाइट तो आप इस यहाँ से भी हाइट बढ़ा सकते हैं। देखिए ये स्लाइडर आ गया। तो ये देखिए अगर आपका टच जो है वो ये देखिए तो अल्फाज नीचे आ गया। तो अगर आपने इसकी ये जो है यानी कि आपने इसकी चौड़ाई बढ़ानी है तो उस तरह यह आपसे देखिए यहाँ से आप इसकी चौड़ाई भी बढ़ा सकते हैं। तो अगेन तरल चेंज करना है तो तल वाले में जाते तरे तो तरल भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद बोल्ड करना है तो सारे तो सिलेक्ट करे या फिर ए तो सिलेक्ट कर दे। ये देखिए इस सब तो बोर्ड तल दिया, अब इन तो इस तो मैं चाहता हूँ इस तरह टे जो है ये मैं बोलना तुरू तो इसी तरह से सिलेक्ट करूँ दा, इसे मैं अनबोर्ड तल देता हूँ। तो इस तरह जो है आप यहाँ जो है टेस्ट तो चेंज कर सकते हैं। तो अब हम ये जानते थे हम किस तरह तैनवाती मदद से एक प्रोफेशनल लोडो क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप tanva.com पे आ जाइए और वहाँ आने के बाद लॉगिन कर लीजिए। तो उसके बाद अब आप क्या करिए आप ऊपर सर्च पे जाइए, सिंपल टाइप करिए लोगो और इंटर प्रेस कर दीजिए।
तो देखिए आपके सामने जो है बहुत सारी लोगों की जो है टेम्पलेट्स आ दी है। अब आराम जो है आराम से बैठ के यहाँ से चूज कर सकते हैं कि किस किस्म का जो है आप तो लोहो चाहिए। यहाँ आप तो बहुत सारी टेम्पलेट मिलती है, तो आप सबसे पहले चूज कर लीजिए किस किस्म की जो है टेम्पलेट आप तो चाहिए, उस किस्म का आप तो लोहो चाहिए। तो देखिए मैं कहता हूँ तो मुझे इस किस्म का जो है लोहो चाहिए, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास से न्यू पेज ओपन हो गया उस टेम्पलेट का। तो देखिए ये जो है ये टेम्पलेट जो है हमारी लोड होती है। तो सबसे पहले बात कर देते अगर मेरा दिल बदल दिया, मैं चाहता हूँ तो मुझे कोई और टेम्पलेट चाहिए, तो मैं तो दोबारा यहाँ जाऊँ और कोई दूसरी ट्रेन सर्च करूँ। जी नहीं, आप जो तरह से ये देखिए आप तो यहाँ टेम्पलेट में आ रहा है, आप सिंपली यहाँ से भी जो है चूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। तो ये देखिए जैसे थे ये जो सर्कल है इस तरह जो है रेड है, तो मानते चलते हैं तो मैं लोहो जो त्रियेड़ता रहूँ वो मैं एक बर्दर शॉप के लिए त्रियेड़ता रहूँ लो दो। तो जो रेड तरह है वो मुझे रेड तरह नहीं चाहिए, मुझे यहाँ जो है कुछ फूड ते तरह तक चाहिए, यानी कुछ ऑरेंज चाहिए या फिर येलो चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये तरह चेंज करूँ था, तो मैंने आप तो पहले बताया था पिछले पार्ट में ते तैनवा में जो कुछ भी डिज़ाइन है आप उस थर्ड हर एक चीज़ का तरह जो है उस स्टाइल जो है चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सिंपली सब तरह चेंज करूँ था, मैं इसे येलो तर दिया। उसके बाद अभी देखिए ये ग्राफिक जो है ये मुझे नहीं पसंद, तो बर्दर वाले लोगों में ये ग्राफिक क्या तरह, तो मैं सिंपली इसे सिलेक्ट कर तो और यहाँ से डिलीट बटन में क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद ये देखिए ये जो लिखा हुआ है टेस्ट, ये नीचे मुझे टेस्ट नहीं चाहिए, तो सिंपली मैं इसे क्या करता हूँ सिलेक्ट करते बैस पे इसे रेस कर देता हूँ। तो देखिए ये टेस्ट तो भी अब हम एडिट करते हैं, तो यहाँ से मैं सिंपली रेस कर दिया और मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ बर्दर पॉइंट, तो ओते बर्दर पॉइंट तेरे तार दिया, लेकिन मुझे ये जो है ये ऊपर नीचे नहीं चाहिए, तो मैं इसे थोड़ा सा जो है बड़ा तार देता हूँ, और यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से भी जो है बड़ा तार देता हूँ। और अब ये देखिए अब ये जो है ये मुझे अंडरलाइन अदर चाहिए, तो सिंपली मैं इस पे सिलेक्ट कर उदा यहाँ से देखिए अंडरलाइन का ऑप्शन, अंडरलाइन तार दूदा, अगर मुझे टैलिक चाहिए तो मैं यहाँ से टैलिक भी थोड़ा तार दूदा, तो मैं इसे थोड़ा छोटा तार देता हूँ क्योंकि ये जो है हमारा सर्कल से बाहर जा रहा है, तो मैं इसे थोड़ा अलाइनमेंट तार देता हूँ और परफेक्टली अलाइन हो गया। तो देखिए अब बात करते हैं, हमने टेस्ट तो लिख दिया, लेकिन अब हमें तो ग्राफी या फिर इमेज भी चाहिए, तो ये बर्दर थी, तो आप चाहे तो यहाँ फोटो से इमेज भी से लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ आप तो एलिमेंट ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ हम सर्च करते हैं बर्दर, तो देखते हैं तो बर्दर से रिलेटेड तो हमें मिलता है ग्राफिक या नहीं। तो ये देखिए ये जो है बहुत सारे जो है बर्दर थे जो है हमारे पास आ गया ग्राफिक। तो आप यहाँ नोटिस तारे हो दे तयों तो नीचे जो है ये ताज सा निशान आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये प्रो वर्जन अगर आपके पास होएगा तभी आप इन ग्राफिक का यूज़ कर पाए दे। उसके सिवा जिन पे फ्री लिखा है आप उनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये बर्दर आ गया, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर मुझे छोटा बड़ा तरना है तो मैं छोटा बड़ा तर सकता हूँ, और अगर मुझे ये जो ग्राफिक है इस पर आप देख रहे हो ये काफ़ी मुख्तलिफ तरह है, तो मैं इसका हाल एक तरह चेंज कर सकता हूँ। तो ये देखिए यहाँ ऊपर कुछ तरह कम्बिनेशन आ रहे हैं, अब जैसे सबसे पहले रेड यहाँ आ रहा है, तो रेड किया है रेड ये बीच में मील है, तो मैं इस तो रेड तो सिलेक्ट किया, मैं यहाँ से कुछ और तरह क्लियर डाल देता हूँ। ये देखिए इस तरह जो है आप जो है इस तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने और कुछ करना है तो आप भी बहुत कुछ डाल सकते हैं, जैसे यहाँ आप दे सकते हैं एलिमेंट्स में कुछ फ्रेम वाला आपने डालने हैं या कुछ और ग्राफिक वाला डालने हैं। अब ये टोटली आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी इमेजिनेशन जितनी अच्छी है आप जितनी अच्छे तरीके से जो है कोई भी लोहो डिजाइन कर सकते हैं। तो अब मान चलते हैं तो हमने जो है अपना लोहो जो है वो क्रिएट कर लिया, तो अब बारी आती है डाउनलोड की। तो देखिए डाउनलोड के लिए आज तरह सिंपली यहाँ डाउनलोड आ रहा था, आप इस पर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद यहाँ डिफॉल्ट है वो PNG में सेलेक्ट हुआ हुआ है,
लेकिन अगर आप किसी और फॉर्मेट में तरना चाहते तो आप यहाँ एरो वाले पे क्लिक करिए, आप तो जेपीईजी पीडीएफ में भी ऑप्शन मिल जाता है। तो देखिए अगर आप इस लो तो तरीयर ताल ते मैगजीन वगैरह इस तरीके से ताम तेरे यूज़ करना चाहते तो तब आप पीडीएफ में तर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस लोहो तो जो है ऐसा लोहो यूज़ करना चाहते हैं जैसे थे आप अपनी वेबसाइट पे लगाना चाहते हैं तो उस तेरी आप जेपैड या पीएनजी में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जेपैड जो है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम होती है, पीएनजी जितनी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो मैं यहाँ से पीएनजी सिलेक्ट ही रखता हूँ, उसके बाद सिंपल मैं यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ तो हमारा भी जो डिज़ाइन है वो स्टार्ट हो गया, तो ये डाउनलोड हो गया। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ डाउनलोड फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ से मैं ओपन करते देखता हूँ। तो ये देखिए हमने जो है इतना प्रोफेशनली लोदो बना रही है वो भी बहुत ही थोड़े टाइम। तो अब देखिए अब हम ये जानते रहते हैं हम किस तरह तैनुआ की मदद से बिजनेस स्टार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने तैनुआ के डैशबोर्ड में आ जाइए, यहाँ आने के बाद आप ऊपर सर्च पे जाइए और सर्च पे टाइप करिए बिजनेस स्टार्ट और इंटरप्राइज कर दीजिए। तो देखिए जिस तरह मैंने बताया था लोगो ते टेम्पलेट्स आ रही है उसी तरह देखिए बिजनेस स्टार्ट की भी आप तो बहुत सारी जो है टेम्पलेट मिल रही है। अब आप जो भी टेम्पलेट चाहे उस तो यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मानते चढ़ते हैं तो मैं जो बिजनेस स्टार्ट बना रहा हूँ वो मैं एक बर्गर शॉप के लिए बना रहा हूँ। तो मुझे जो है मुझे कुछ इस किस्म का बिजनेस स्टार्ट चाहिए जिसमें एक साइड पे मैं तो इमेज लगा दूँ और दूसरी साइड में मैं कंपनी का नेम वाला लिख दूँ। तो उसी तरह मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए हमारी टेम्पलेट जो है ये पूरी तरीके से लोड हो दी है। तो देखिए जैसे थे आप तो पता हो इधर जो बिजनेस स्टार्ट होता है उसकी दो साइडें होती है, दोनों साइडों पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। तो ये देखिए ये जो हमने डिज़ाइन चूज किया है इस पर भी दो साइड है, जो फ्रंट साइड आई थी हमारे बिजनेस स्टार्ट थी वो ये वाली साइड आई थी। आप यहाँ टेम्पलेट से तो इस भी टेम्पलेट चूज करे थे बिजनेस स्टार्ट थी तो उसमें आप तो दोनों साइड ही मिलेगी, एक फ्रंट वाली और एक बैक वाली जहाँ कंपनी का एड्रेस वगैरह मोबाइल फ़ोन और ईमेल वगैरह लिखा होता है। तो सबसे पहले जो है हम फ्रंट साइड तो जो है थोड़ा एडिट करते हैं। तो देखिए मानते चलते हैं तो मैं जो ये बिजनेस साथ क्रिएट कर रहा हूँ वो बर्गर शॉप के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ जो ये इमेज है मुझे यहाँ तो बर्गर की इमेज चाहिए, तो अगर आपके पास तो इमेज है तो आप क्या कर सकते हैं आप यहाँ अपलोड पे जाइए, अपलोड के बाद अपलोड एंड इमेज पे क्लिक करिए और यहाँ से आप चूज कर लिए अगर आपके पास तो इमेज है तो ये जो मेरा लोगो है मैं इससे चूज कर लेता हूँ। अदर आपके पास तो इमेज है तो उससे आप यहाँ चूज कर सकते हैं, नहीं तो अदर आप तो स्टोर फोटो चाहिए तो आप सिंपली यहाँ से फोटोज में जाइए और यहाँ आप सिंपली टाइप कर दीजिए जिस चीज़ की भी आप तो फोटोज चाहिए। तो यहाँ आप तो जो है बहुत सारी फ्री स्टोर फोटोज मिल जाती है जिनका आप तो कॉपी राइट की बिल्कुल भी परवाह करने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी जो होती है वो रॉयल्टी फ्री और नॉन कॉपी राइट होती है। तो देखिए बहुत सारी यहाँ इमेज आ रही है तो मैं क्या करता हूँ ये वाली इमेज जो है मैं इसे यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो ये देखिए ये यहाँ रख दी, लेकिन ये देखिए थोड़ी सी जो है ये इमेज बड़ी है तो इसीलिए जो है ये साइज सही नहीं आ रहा। तो ये देखिए आप यहाँ से बड़ा करना है तो इमेज तो बड़ा कर सकते हैं, तो ये चेंज करनी है तो सिंपली उसी तरह आप यहाँ जाए दे तो ये चेंज डाल दे दे। तो ये देखिए हमारी इमेज जो थोड़ी इधर आ रही है डबल क्लिक तल तो मैं थोड़ा ये इस तरह रख देता हूँ। थोड़े से आप तो यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, जितने आप टाइम दे रहे किसी भी डिज़ाइन में उतना आप उस डिज़ाइन तो जो परफेक्ट कर सकते हैं। और तो हमारी इमेज आ दी, उसके बाद अगर आप चाहे तो यहाँ आप यहाँ अपना लोगो भी डाल सकते हैं। देखिए मैंने ये लोगो अपलोड किया हुआ है तो मैं चाहता हूँ तो यहाँ मैं अपना लोगो भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं लोगो नहीं रख रहा। मैं क्या करता हूँ सबसे पहले ये जो तलर है ये मुझे तलर ये नहीं चाहिए, मुझे तो येलो चाहती हूँ तो मेरा लोगो जो है वो येलो है तो उसी तरह मैं यहाँ से तलर चेंज कर देता हूँ। उस बार ये एलिमेंट लैदा है और तो इस एलिमेंट को सिलेक्ट किया कलर चेंज हो गया। उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ कंपनी का नाम लिखता हूँ जो तो है बर्दर पॉइंट, इस
टेक्स्ट तो भी थोड़ा सा अगर आपने एडिट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, फ्रंट और चेंज करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। उतने तो ये जो डिश है ये मुझे नहीं चाहिए, तो सिंपली मैं इसे रेस कर देता हूँ और एलिमेंट पे जाता हूँ। एलिमेंट में मुझे बर्दर ही चाहिए। देखिए अगर नहीं हो रहा तो दोबारा डाल दी, तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा तार देता हूँ। होते तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। मैं इस टेस्ट तो भी थोड़ा सा बड़ा तार देता हूँ। अदेन मैंने आपको बताया आप जितना ये ज़्यादा बड़ा हो गया, अब जितना टाइम लगाए थे इस पर उतना आप जो है माहिर हो जाए, उतना अच्छा आप जो है डिज़ाइन कर पाए थे कोई भी चीज़। ओके तो फ्रंट साइड जो वो तो हमने कर दी, अब बारी आती है बैक साइड पे। तो ये बैक साइड पे ये इमेज है, इससे मैं रिप्लेस कर देता हूँ उसी इमेज से जो हमने लगाई थी। आप चाहे तो इसे भी इमेज लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। होते तो इस तो कलर है इस तो भी मैं चेंज कर देता हूँ, तो मैच हो जाए हमारे डिज़ाइन के साथ। ये जो ग्राफिक है इस तो भी कलर चेंज कर देते हैं। होते तो यहाँ लिखा हुआ है जिसका भी आपने नाम देना चाहते हैं, तो यहाँ जो है किसी आदमी का नाम लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप जिस तरह ये बिजनेस स्टार्ट बना रहे हैं, जिस कंपनी का बना रहे हैं, उस कंपनी से आप बात तो नहीं हुई थी, तो आपने तो किसका नाम लिखना है यहाँ, या कंपनी का नाम लिखना है, या किसी बंदे का नाम लिखना है, और मोबाइल फ़ोन नंबर 3 देना है। उसी तरह एडिट करना है तो सिंपली आप यहाँ से इरेज करते एडिट कर सकते हैं। इस तरह आप जो है आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप तो नहीं तो चीज़ चाहिए तो आप इरेज कर सकते हैं। तो मान चढ़ते थे हमारा डिज़ाइन जो है वो बन गया, तो अब हम इसे डाउनलोड करें थे, तो डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पे जाए थे। आप चाहे तो PDF में तार सकते हैं, JPEG तो PNG में तार सकते हैं। मैं यहाँ से PNG सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ आप तो ये देखना है कि आपने जो है इन तो किस तरह डाउनलोड करना है। अगर आप इन दोनों तो एक बार ही डाउनलोड करें तो ये जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा, आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहे तो लहदा लहदा एक पेज तो जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मैं दोनों पेज तो जो है डाउनलोड करता हूँ, तो ये देखिए दोनों पेज सेलेक्ट है, तो सिंपली यहाँ डाउनलोड बटन में क्लिक करिए और जैसे हमारा डिज़ाइन लोड हो जाएगा ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। देखिए हमारी फाइल जो है डाउनलोड हो दी, मैं डाउनलोड फोल्डर में जाता हूँ, तो ये देखिए ये जो है ये जिप फाइल में आ गई। सिंपली मैं एक्सट्रैक्ट डाल लेता हूँ, तो ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन जो ये आ गया है। मैं आपको ज़रा ओपन करके दिखा देता हूँ। अदेर अदर आपने और अच्छा डिज़ाइन तो तनना है तो आप तो और थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ये आप समझ लीजिए बिल्कुल वैसा है जैसे थे, जितना टाइम आप दे दे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, जितना आपकी क्रिएटिविटी है आप क्या क्या कर सकते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, जिस तरह टेस्ट चेंज करना है, तरह चेंज करना है, किस तरह इमेज वाला चेंज करनी है, किस तरह टेस्ट वाला ऐड करना है, तो ग्राफिक ऐड करना है, किस तरह अदर आपका लोगो बना हुआ है वो आप अपलोड कर सकते हैं। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप क्या बना सकते हैं इस नॉलेज का यूज़ कर। तो आज हम ये जान रहे थे हम किस तरह कैनवा की मदद से यूट्यूब थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने डैशबोर्ड में आ जाइए, canva.com पे लॉगिन करते। यहाँ आने के बाद आप ऊपर सर्च में लिखिए यूट्यूब थंबनेल और इंटरप्रेस कर दीजिए। तो देखिए आपके सामने जो है बहुत सारी टेम्पलेट्स ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ देख सकते थे अगर आप तो टेम्पलेट पसंद आ रही है तो आप उससे चूज करते एडिट कर सकते हैं। अगर आप तो यहाँ कोई भी नहीं मिल रही टेम्पलेट आपकी मतलब की, तो आप जो है आप यहाँ सिंपली ब्लैंक पेज सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए हमारे पास ये ब्लैंक पेज सेलेक्ट हो गया और इसका जो रेजोल्यूशन है वो है 720p, यानी कि 1280x720। तो ये जो होता है रेजोल्यूशन ये यूट्यूब पे थंबनेल के लिए परफेक्ट रेजोल्यूशन होता है। तो अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं किस तरह यूट्यूब पे थंबनेल बनाता हूँ, तो मैं अब आपको ये बताने लगा तो मैं किस तरह बनाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो है ये बैकग्राउंड जो है वो वाइट है, तो मुझे बैकग्राउंड जो है तो छोड़ चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ थोड़ा दरे।
उसके बाद अगर मैं चाहता तो बैकग्राउंड में मैंने तो इमेज लगानी है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं डायरेक्टली अपलोड अदर तो इतनी हुई, या मैंने इमेज तो उससे लगा दूँ, नहीं या नहीं तो यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ, या मैं तो सर्च कर लूँ इमेज, वहाँ मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ। तो अब इमेज लगाने के भी आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप फोटोज में जाइए और तो ये भी इमेज जो उससे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, तो वो जो है पूरी आपके डिज़ाइन में इमेज अप्लाई हो जाएगी। नहीं तो अगर आप एलिमेंट्स में जाते हैं और दृश्य में जाते हैं, तो ये देखिए आप तो जो है दृश्य में जो है बहुत सारे जो है फ्रेम मिल जाते हैं इमेज पे। तो देखिए अगर आप चाहते तो आपने जो इमेज लगानी है वो सिर्फ इतनी लगे, यानी तो ये हिस्सा जो है यहाँ आप टेस्ट लिख दें और यहाँ आपकी इमेज आ जाए, तो आप उस तरीके से यहाँ फ्रेम डाल सकते हैं और फ्रेम में जो है वो फिर तो इसे भी आप इमेज डाल सकते हैं। जैसे तो ये मैंने ये देखिए जैसे तो मैं ये पीछे डाली है, तो ये पूरे जो है मेरे डिज़ाइन में आ गई। लेती है मैंने जो है बनाई है ड्रेड, तो मैं चाहता तो यहाँ मैं सिर्फ डालूँ, तो मैं क्या करता हूँ इसे ड्रैग करते सिर्फ यहाँ ले आता हूँ, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सिंपली डिलीट पे जाते हैं। तो इस तरह अगर आपने डालनी है तो आप इमेज वाला डाल सकते हैं, अगर आपने 2x2 की ड्रेड डालनी है तो आप यहाँ से 2x2 की भी ड्रेड डाल सकते हैं, सिंपली इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है तो आती इमेज जो है आ जाए। तो अगर आप देखते हैं ना जैसे तो आपने थंबनेल बनाया है बिफोर एंड आफ्टर आपने तो ये चीज़ दी है, तो उसमें आप 2x2 की ग्रिड यूज़ कर सकते हैं। ए साइड में आप इमेज लगाइए बिफोर थी और ऊपर लिख दीजिए बिफोर, यहाँ टेस्ट में जाते आप लिख दीजिए बिफोर से ड्रैग एंड ड्रॉप करते यहाँ ले, और यहाँ अगर आप नीति है आफ्टर तो चीज़, तो मैं यहाँ आफ्टर लिख देता हूँ जैसे थे आफ्टर। तो इस तरीके से जो है अगर आपने बिफोर एंड आफ्टर वाली तो थंबनेल बनाना है तो आप उसके लिए जो है 2x2 के ग्रिड का यूज़ करिए, यह आप तो काफ़ी हेल्प करेगी। उसके बाद आप बहुत कुछ यहाँ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ तो मैं जो डिज़ाइन करता हूँ मैं किस तरह डिज़ाइन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल वीडियोज़ के लिए। तो ये मैं जो तो सबसे पहले मेरे पास से ब्लैंक पेज होता है, तो उसके बाद मैं जो करता हूँ मुझे यहाँ लेफ्ट साइड पे जो है यहाँ ग्राफिक डालता हूँ, राइट साइड पे जो है मैं यहाँ टेस्ट लिखता हूँ। तो मिसाल तौर पर मैं यहाँ ये डाल देता हूँ ये टेस्ट, चाहे तो मैं बर्दर के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ बर्दर का जो है ग्राफिक डाल देता हूँ, या फिर तो इमेज ऐड करनी है जैसे तो लोगो है तो वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो देखिए तो चाहो तो मैं चीज़ें बताता चलो। अब आप तो लद रहा होता तो मैंने इसे बिल्कुल ही यहाँ साइड पे क्यों नहीं किया, तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ फासला क्यों छोड़ा है, तो देखिए उसका रीज़न ये है कि जब भी आप YouTube में होते हैं और अदर आपकी वीडियो जो है सुजेक्शन सेक्शन में आ रही है तो आप तो पता होता जैसे ही आप वहाँ अपना माउस तो लेते जाते हैं तो साइड में जो है दो ऑप्शन आ जाते हैं, जो तो इतना हिस्सा जो है आपते थंबनेल तक तवड़ तार देते हैं। तो इसलिए आप ये साइड जो है थोड़ी सी छोड़े यहाँ से लेफ्ट साइड से थोड़ी सी ज़्यादा छोड़े ताकि जो है सेव एज लेटर और लाइट और अदर तो ऑप्शन आए तो वो तवड़ ना हो आपते थंबनेल में। तो उसी तरह सिंपली यहाँ नीचे भी अगर आप मोबाइल फ़ोन में देखते हैं तो अगर आपकी वीडियो का थंबनेल शो हो रहा है तो उस बॉटम राइट लेफ्ट साइड में जो है आपका आ जाता है टाइम, तो उसके लिए वो भी जो है आपके डिज़ाइन का तो हिस्सा तवर तल लेता है, तो वहाँ भी अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो वहाँ ना लिखें। तो देखिए जैसे तो मैंने ये तार दिया तो चीज़ें मैंने आपको लाजमी बतानी थी, उसके बाद टेस्ट में थोड़ा सा ऐड तार देता हूँ जैसे बस बस बर्दर रेसिपी, इससे मैं यहाँ छोटा बड़ा तार देता हूँ ये दे सकते आप इस तरीके से जो है, ये मैंने अब अपने लिए YouTube के लिए जो है वो डिज़ाइन डाल दिया। अब आप तो मैं तो डिज़ाइन भी तरते दिखा देता हूँ, मिसाल तो पे तो ये आदमी है जैसे थे आप तो बताए थे YouTube जो है वो बैन हो रही है, तो किसी ने YouTube बैन पे जो है वीडियो बनाई है और उसे समझ नहीं आना थे वो थंबनेल किस तरह बनाए, तो वो इस तरह तर सकते वो एलिमेंट में जाए और यहाँ से वो यूट्यूब का आइकन जो है वो ले ले जैसे थे ये वाला जो है हम ये वाला चूज कर लेते हैं, हम इसे यहाँ
ना सेंटर में रख देते हैं, ये आपकी मर्जी है। शायद तो पे हमने यहाँ से सेंटर में रख दिया होते। तो उसके बाद अब हम टेस्ट ऐड कर देते हैं, यूट्यूब बैन इन पाकिस्तान होते। तो इस टेस्ट को जो है मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सिलेक्ट करते मैं ज़रा यहाँ बोल्ड डाल देता हूँ होते। तो ये इस तरीके से मैं जो है लगा लिया। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो यहाँ जो है तरह चेंज करना या पीछे कुछ एलिमेंट लगाना है, जैसे कि मैं ये रेड तरह था जो है तो ये ले लिया। इससे मैंने यहाँ ये बड़ा तर दिया, यहाँ इतना तर दिया। तो इसका तरह जो है मैं ब्लैक तर देता हूँ, उसका तरह जो है मैं यहाँ से येलो तर देता हूँ। तो इस तरह जो है, इस तरह भी आप जो है देखते हुए दे, काफ़ी यूट्यूबर जो है उनके थंबनेल जो है इसी तरह लिखे होते हैं। तो टेस्ट बैकग्राउंड जो होता है वो ब्लैक होता है और टेस्ट का कलर जो होता है वो येलो होता है। तो आप इस तरह जो है यहाँ ये इस तरह की चीज़ जो है ऐड कर सकते हैं। ऐसे नीचे ले आते हैं थोड़ा, YouTube बैन इन पाकिस्तान, इस तरह आप साइड में भी कुछ लिखना है तो लिख सकते, जैसे थे फुल इंफॉर्मेशन। इस तरह यहाँ साइड में लिख सकते हैं, इसे मैं थोड़ा बोल्ड डाल देता हूँ। इस तरह फुल इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ मैं। और एक तो चीज़ में आपको बता शुरू, आप एलिमेंट में जाइए, सर्च करिए एरो। तो ये देखिए यहाँ आपको बहुत सारे एरो मिल जाते, लेकिन मैं ज़्यादातर याद रहा तो आपने मेरे वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, इस तरह से आप तो मिलता है एरो। तो जो पॉइंट तारा होता है किसी हर चीज़ के ऊपर, जैसे थे मैंने इसे यहाँ से थोड़ा सा मैं रोटेट तार किया, थोड़ा सा इसमें बड़ा तार किया। तो ये देखिए यहाँ से मैंने जो है ये एरो निकाला और ये जो है यहाँ जा रहा है एरो। तो इसे मैं थोड़ा सा बड़ा तार देता हूँ टेस्ट को होते। तो ये देखिए मैंने इस तरह तार किया, ये मैं टेस्ट ऊपर लिख देता हूँ बेशक। ये डिपेंड करते हैं आपके क्रिएटिविटी के ऊपर, आप कितना क्रिएटिव सोचते हैं और आप कितना अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी चीज़। तो ये देखिए हम लगता है तो हमने काफ़ी प्रोफेशनल जो है थंबनेल बना लिया। तो उधर तो भी थंबनेल तो देखेगा तो उसका सबसे पहला जो ज़्यादा रिएक्शन वो इस चीज़ पे जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ एरो दिया हुआ है तो उसका एरो जो यहाँ जा रहा है। तो अगर हम यूट्यूब बैन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ जो है तो उसका साइन भी डाल सकते हैं, जैसे थे ये साइन यहाँ डाल सकते हैं, नहीं तो इस किस्म का साइन जो है हम यहाँ डाल सकते हैं। अगर हमने इसे थोड़ा चेंज करना है तो हम यहाँ त्रोक वगैरह भी तर सकते हैं इसे, नहीं तो हम यहाँ अब आप ये ऊपर है तो आप क्या तर सकते हैं, आप तो यहाँ काफ़ी कुछ मिल जाता है। यानी तो जितना भी आपने सोचते हैं तो आप ये तर सकते वो तर सकते, आप तैनवा फ्री की मदद से काफ़ी कुछ तर सकते हैं। आपने मेरे जितने भी डिज़ाइन देखे हैं वो सारे सारे मैंने जो है तैनवा डॉट कॉम पर बनाए हैं। एक भी डिज़ाइन जो है मेरे यूट्यूब पे थम वीडियो पे थम ने एक भी जो है वो मैंने ना तो फोटोस्टॉप शॉप में ना इलस्ट्रेशन में ओला किसी और शॉप में बनाए, सारे के सारे मेरी वीडियो पे जो थंबनेल है वो सिर्फ और सिर्फ तैनवा डॉट कॉम पे बने हैं। तो आप सोच सकते हैं तो इतने अच्छे तरीके से जो है आप जो है डिज़ाइन क्रिएट कर सकते। तो आज के इस वीडियो में हम ये जाने दे तो हम किस तरह तैनवा की मदद से YouTube चैनल और क्रिएट कर सकते हैं किसी भी YouTube चैनल के लिए। तो सबसे पहले आप अपने डैशबोर्ड में आ जाइए, तैनवा डॉट कॉम पर लॉगिन करते और उसके बाद आप ऊपर सर्च पे जाइए और लिखिए यूट्यूब चैनल आर्ट। लेने के बाद आप सिंपली इंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए हमारे सामने बहुत से टेम्पलेट आ रही है, लेकिन जो मैं तरीका हो तो स्थानीय लगा उस तरी हमें इनमें से किसी भी टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से सिंपली ब्लैंक पेज है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये देखिए हमारा ये पेज जो है वो सिलेक्ट हो गया। तो देखिए सबसे पहली चीज़ जो है वो आप तो ये जहन में रखनी हुई थी, जब आप किसी भी चैनल के लिए यूट्यूब चैनल आर्ट क्रिएट कर रहे होते हैं वो ये है। तो आपने देखा होगा
तो ये जो मैंने सिलेक्ट किया है ब्लैंक पेज, इसका जो रेजोल्यूशन है वो है 2:3, यानी कि 1440p। तो आप जो फ़ोन में देखते हैं और अपने डेस्कटॉप में जो देखते यूट्यूब चैनल आर्ट, वो आप तो मिलता है, देखिए वो आप तो सिर्फ इतना हिस्सा दिखाई देता है। अदर आपने जो चैनल आर्ट तभी भी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है तो आप तो पता होगा कि जब आप अपलोड करते हैं तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं जिसमें जो दिखाए जाते हैं कि यूट्यूब टीवी में जो है वो आप तो पूरा डिज़ाइन नज़र आएगा, यूट्यूब जो है डेस्कटॉप में जो है वो सिर्फ इतना नज़र आएगा आधा, और यूट्यूब जो है मोबाइल ऐप में जो है वो उससे भी आधा नज़र आएगा। तो इसीलिए हमारे लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम एक ऐसा डिज़ाइन क्रिएट करें यूट्यूब चैनल आर्ट में जो ते अदर तोई जो है उससे यूट्यूब टीवी पर देखता है तो उसे पूरा मिले, और जो है साइडे जो है हाली मिले या कुछ भी लिखा हुआ हो और हमारा मेन टेक्स्ट जो वो भी मिले। अदर तोई डेस्कटॉप में देखता है youtube.com खोलते हमारा चैनल तो वहाँ जो हमारा जो मिलता है चैनल आर्ट वो भी पूरा वेल डिज़ाइन मिले, और अदर तो स्मार्टफोन में ओपन करता है तो वो भी पूरा वेल डिज़ाइन मिले। तो अब आप मुझसे पूछे थे हम ये किस तरह तार सकते हैं, तो देखिए ये तार सकते हैं छोटी सी टेम्पलेट से। तो देखिए मैं आपको तो बता देता हूँ, ये देखिए मेरे पास जो है मैंने ये टेम्पलेट डिज़ाइन की हुई है जिसमें जो है सारा बताया हुआ है। ये देखिए ये जो है टीवी तस है, जो टीवी में ये सब कुछ नज़र आएगा, डेस्कटॉप में जो है ये इतनी साइज़ नज़र आएगा, टैबलेट में जो है यहाँ से लेते यहाँ तक नज़र आएगा, और स्मार्टफोन में जो है यहाँ से लेते यहाँ तक नज़र आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं ये जो इमेज है इसे मैं अपलोड करता हूँ canva.com में। आप तो ये इमेज जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाते इस इमेज तो डाउनलोड कर सकते हैं। अदर आप तो डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे तुरंत में पूछ लीजिएगा, मैं आप तो अल्टरनेटिव लिंक सेंड कर दूँगा। तो मैं करता हूँ सबसे पहले मैं अपलोड में जाता हूँ और यहाँ से जो मैं ये जो है इमेज अपलोड कर देता हूँ। एंड बाय द वे ये इमेज जो है ये भी 2:3 है तो इस डिज़ाइन पे जो है परफेक्टली बैठ जाएगी और हम जो है परफेक्ट डिज़ाइन कर पाए दे। तो ये इमेज अपलोड हो गई तो मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ये जो है पूरा यहाँ फैल दी। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने तो ये ऐसी निशानी लगानी है जहाँ से हमें पता लग सकते थे हमारा जो है यहाँ हमने काम करना है। तो हम अब ये जो है इसे तो नहीं अपलोड कर सकते तो उतने हमें इस इमेज तो जैसे हमें डिलीट करना होगा एंड में जब हमारा डिज़ाइन जो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ से स्क्वायर शेप लेता हूँ, इससे मैं तो ऐसा भी तरह तरह देता हूँ जैसे थे मैं तो ऐसा तरह तरह तो जो मैं डिज़ाइन में ना करूँ। तो मैं इसे सबसे पहले पूरा ओपन कर दिया, उसके बाद यहाँ में थोड़ा छोटा तो तहाँ तक जानना है मैंने और यहाँ तक तो नीचे से भी आप इसमें थोड़ा टाइम लगा दीजिएगा, देखिएगा तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट में तरे और तो ये हो गया। उसके बाद अब हमें यहाँ भी मार्क लगाना होएगा क्योंकि आप तो पता है ज़्यादातर जो आपकी ऑडियंस होगी थी वो जो है स्मार्टफोन से जो है यूट्यूब ऐप तो खोलते आओ तो वीडियोस देखती हुई थी तो वहाँ जो है वहाँ तो सिर्फ यहाँ से लेते यहाँ तक सिर्फ इतना हिस्सा नज़र आएगा चैनल आर्ट पे। तो यहाँ भी हम निशाने लगा लेते हैं, मैं यहाँ स्क्वायर चूज कर लेता हूँ और मैं यहाँ तक लेता हूँ ताते यहाँ से बाहर जो है हमने कुछ भी नहीं लिखना क्योंकि काफ़ी अच्छा रहता है तो आप जो है ऐसा डिज़ाइन बनाइए जो तो प्रोफेशनल लगे, ऐसा ना हो तो आप यहाँ कुछ लेते फिर आप स्मार्टफोन में ओपन करते देखिए तो आप तो नजर ना आए आप फिर मुझे तय थे आपने ऐसा डिज़ाइन हमें बनाना सिखाया हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये अब हमारा काम जो हमें पता ला दिया थे हमने इतने में तनना है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ और इसे मैं ले आता हूँ फॉरवर्ड यानी इसमें आधे ले आता हूँ, ये भी आपको ऑप्शन मिल जाता है किसी ट्राफिक तो जो है बैकवर्ड तनना है या फॉरवर्ड तनना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ और अब इस इमेज तो जो है आप फिर डिलीट कर दीजिए जब भी आप यहाँ मार्कर लगा दीजिए। तो देखिए अब हमें पता लग दिया थे हमने जो अपना सारा तुझ डिज़ाइन तनना है जो भी तुझ लिखना है हमने अपने चैनल आर्ट पे वो सिर्फ इतने हिस्से में लिखना है, ये जो बाकी था हिस्से आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं
या तुझ भी ले सकते क्यों। तो ये हिस्सा जो है, ये जो शेडो में आ रहे, ये सिर्फ और सिर्फ जो डेस्कटॉप में खोले था उससे ही नज़र आएगा। और जो वैसे स्मार्टफोन से ओपन करते क्यों, तो ज़्यादातर लोग जो है वो स्मार्टफोन से यूट्यूब तो यूज़ करते, तो उन्हें इतना हिस्सा नज़र आएगा। तो अब हम जो है यहाँ अपना काम करते हैं। तो मान ले चाहू तो मैं ये जो चैनल आर्ट है अपने चैनल के लिए बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ जैसे ले सकता हूँ, तो मैं टेस्ट ले सकता हूँ। जैसे तो मैं यहाँ टेस्ट लिख देता हूँ, अवान एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल। तो ये बैकग्राउंड जो है ब्लू, ये मुझे ब्लू नहीं चाहिए। मैं यहाँ से थोड़ा तो मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, नहीं तो मुझे इमेज लगानी है। तो उसी तरह मैं यहाँ से ग्रिड उठाऊँगा। तो याद रहे थे ग्रिड आप जो है पूरे में ना लगा दे, आप जो है इसके साथ मैच कर लीजिए, ये होते तो अब मैं ये जो है डिलीट कर सकता हूँ। तो यहाँ जो है यहाँ मैं तो ईमेल लगा देता तो हूँ, फोटोज में जाता हूँ, मैं तो सर्च करता हूँ टेस्ट रिलेटेड फोटोज, तो वो जो है वो मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो ये देख जैसे थे ये इमेज आ रही है, इसे मैं यूज़ था तो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तुम्हारी बैकग्राउंड इमेज जो है वो लोड हो दी, मैं बैकग्राउंड इमेज तो भी अगर कलर वाला चेंज करने हैं, यहाँ मैं एडजस्ट में जाता हूँ, यहाँ मैं ब्लर वाला कर सकता हूँ, ब्राइटनेस वाला, कॉन्ट्रास्ट, सेचुरेशन, कलर हल्के या तेज करने हैं, यहाँ से मैं थोड़ा सा ये इफेक्ट भी डाल देता हूँ, थोड़ा सा मैं इससे जो है हल्का कर देता हूँ, और मैं जो है थोड़ा सा इस टेस्ट को बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ तो टेस्ट भी डाल सकता हूँ, अपना लोगो भी डाल सकता हूँ। मैं यहाँ कुछ ट्रैफिक डाल देता हूँ, जैसे कि मैं तो सर्च करता हूँ कंप्यूटर क्यों, तो आप तो पता है मेरा जो है कंप्यूटर से रिलेटेड चैनल है। तो ये ग्राफिक जो है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं इस ग्राफिक को जो है ये यहाँ डाल देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, और यहाँ मैं शैड में लिख देता हूँ टेस्ट वीडियोस एवरीडे। तो मैं इस टेस्ट को भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो देखिए पहले पार्ट में भी और मैं दोबारा यही कह रहा हूँ, तो मैंने आप तो हर एक चीज़ बता दी है, तो आपने किस तरह करना है, अगर आपने स्क्वेयर लाना है तो किस तरह लाना है, सर्कल लाना है तो किस तरह लाना है, मैंने आप सारी चीज़ें बता दी है। अब ये टोटली आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप उस डिज़ाइन को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आप कितना अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं, जो रिसोर्स मैंने दी है उनका यूज़ करते। तो अदर तो ही जो है हमारे चैनल तो जो है थोले दा यूट्यूब टीवी में, तो उसे ये पूरा डिज़ाइन नज़र आएगा। अदर वो थोले दा डेस्कटॉप या लैपटॉप में youtube.com से, तो उससे ये हिस्सा नज़र आएगा। अदर तो ही हमारा चैनल जो है जहाँ हमने ये चैनल आर्ट अपलोड किया है, वो तो आदमी खोलता है हमारे चैनल तो मोबाइल ऐप से, तो उसे नज़र आएगा सिर्फ यहाँ से लेते जेब वाला हिस्सा। तो देखिए अब हम जानते थे हम किस तरह किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी और अदारे के लिए किस तरह आईडी यानी आइडेंटिटी कार्ड canva.com में डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कैनवा के डैशबोर्ड में आ जाइए, canva.com पे लॉगिन करते, तो आने के बाद आप यहाँ सर्च पे जाइए, यहाँ आप लिखिए आईडी और इंटर प्रेस कर दीजिए। इंटर प्रेस करने बाद आपके सामने बहुत सारी टेम्पलेट्स आ जाएगी, लेकिन आपने जो आपने ये वाली टेम्पलेट जो है इस तो चूज करनी है, सिंपली आप इस पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये टेम्पलेट जो है हमारे सामने ओपन हो दी। तो देखिए जैसे तो आप तो पता हो इधर, तो कोई भी आईडी कार्ड जो होता है उसकी दो साइडें होती है, एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड। फ्रंट साइड पे जो है जो हमारा जिसका आईडी कार्ड होता है उसकी इमेज, उसका नाम और पता और जिस इदारा है उस इदारे का नाम लोगो वाला होता है, और बैक साइड में कुछ और इंफॉर्मेशन होती है जो भी वो इदारा चाहे। तो अब हम इस तो थोड़ा सा एडिट करें थे। तो देख सबसे पहले यहाँ जो यहाँ नाम लिखा है, तो हम मान लेते हैं हम यहाँ जो है किसी स्टूल के लिए क्रिएट कर रहे हैं, वो स्टूल जो है उसका नाम है न्यू जनरेशन स्टूल। तो हम यहाँ लिख देते हैं न्यू
जनरेशन स्टूल होते ये मैंने लिख दिया। तो अब देखिए, अब जो हमारा स्टूल है उसका जो मेन तलर है वो ये तलर नहीं है, वो हम कहते हैं तो उसका जो है ये ब्लू तलर है होते। तो अब हम जो है हर ज़्यादा तलर अप्लाई करते हो, सबसे पहले हम ब्लू तलर लेते हैं। अब ये जो तलर है ये डिपेंड करते थे आप तो इदारा जो है वो तौन सा आप तो तलर रखने तो तहत हो सकता है, तो वो तय थे वाइट तलर रखिए, पिन तलर रखिए, ब्राउन तलर रखिए, ये डिपेंड करते थे आप जिस ते अदारे तेरिए आई डी तार तेरिए तारे है उसे तो से डिज़ाइन चाहिए। तो देखिए यहाँ जो है, यहाँ अब हम थोड़ा सा जो है इसका तलर भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने वाइट तार दिया, तो यहाँ जो है यहाँ आप उस अदारे का जो है लोगो भी लगा सकते हैं। अदर कंपनी चाहे अदारा चाहे अदर वो अदारा चाहता है तो उसका लोगो ना लगे तो टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देखिए यहाँ तस्वीर आ रही है, सबसे पहले हम ये सेलेक्ट कर दे और टी बोर्ड से डिलीट पे तरते से क्लिक करते दे। तो देखिए ये डिलीट हो दी, तो उसके बाद हम जरा बैक साइड में तर लेते हैं, फिर यहाँ फ्रंट साइड पर कुछ और जो एडिट करना है वो तरते हैं। तो देन यहाँ से जो है हम तर चेंज तर देते हैं और यहाँ से भी जो है हम तर चेंज तर देते हैं। तो देखिए यहाँ नेम एंड सिग्नेचर लिखा है, तो जब आप किसी भी इदारे तेरी आई डी तार क्रिएट करे दे तो जो इदारा वो आप तो जिस पार्टिसिपेंट तेरी है आप क्रिएट तारे है जिस लड़ते या लड़ती तेरी क्रिएट तारे उस पर आप तो सिग्नेचर प्रोवाइड करे दे उस पर आप फिर स्टैन तारते आप इमेज के फॉर्म में जो है यहाँ लगा दीजिए। ये बात आती है जब आप तरे दे, तो अभी मैं आप तो सिर्फ दिखा रहा हूँ तो बता रहा हूँ तो इस तरह बनाना है, तो मैं किसी दायरे से त्रिएट तो बिल्कुल भी नहीं तारा अभी। तो देखिए यहाँ जैसे लिखा है इन केस ऑफ इमरजेंसी प्लीज कॉन्टैक्ट, अब यहाँ क्या लिखना है ये भी डिपेंड करते थे आप तो इदारा थे आप बोले हो सकते थे वो यहाँ तय थे आप तो इस तार की एक्सपायरी डेट लिख दे या फिर प्रिंसिपल से साइन हो जाए या फिर कुछ और लिख दे। तो देखिए मैंने आप सारे तरीके बताया, न्यू टेस्ट ऐड करना है तो आप यहाँ से न्यू टेस्ट ऐड कर सकते हैं, एडिट वाला कर सकते हैं टेस्ट, तो इस फ्रंट वाला चेंज करना है किस तरह डिज़ाइन चेंज करना है बोल्ड करना है टैले वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर आते हैं तो देखिए जैसे तो ये है, तो ये देखिए जो नाम है मान लेते हैं हम ये जिस तरह क्रिएट कर रहे उसका नाम है अब्दुल नहीं होते। तो तरल जो है तरल मैं सबसे पहले मैच तर तो जिस तरह भी आप त्रिएट तारे हुए थे आपने ये ध्यान रखना है जो सा भी आप डिज़ाइन बनाए आपने जो है तलर सेम रखना है। देखिए यहाँ आपने तलर सेम रखना है, यहाँ भी मैं इस तो जो है तलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि देखिए जिस इदारे तेरे आप बना रहे हुए थे उसका जो मेन तलर होएगा वही आपने यूज करना होएगा। तो देखिए यहाँ जैसे लिखा है स्टूडेंट नंबर अदर आप कहते हैं तो आपने यहाँ स्टूडेंट ने नंबर लिखा है उसके बाद क्लास सेक्शन स्कूल ईयर या फिर लिख सकते हैं एक्सपायरी डेट लिख सकते स्टार्ट थी ये तार तब तक वैलिड लेगा। तो छो लिखना है तो सिंपली आप यहाँ तरी इस पर आइए इंटर प्रेस तरी और नीचे जाते हैं ली जैसे तो मैं चाहता हूँ तो जो दारा हम त्रिएट तारे है जिस तरह त्रिएट तारे वो हमें कहता है तो जो हमने आईडी तार बनाना है उस पर फादर नेम भी लिखा होता है तो हम यहाँ लिख लेते हैं फादर नेम, इस तरह हम फादर नेम भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ तोलन का साइन डाल देता हूँ। तो आप यहाँ पे जिस तरह होएगा उस तरह आप लिख लीजिए। तो देखिए अब ये मेन बात आती है तो हमने यहाँ डिज़ाइन तार दिया मिसाल तो भी देखिए मैं यहाँ फोटोज में जाता हूँ मैं यहाँ सारा एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए मैंने इमेज यहाँ लगा दी, ये इमेज जो है अभी थोड़ी देर में जो है क्लियर हो दी। तो देखिए एक मेन आपका सवाल हो जाता है देखिए अब हम किसी दारे के लिए त्रिएट तार या आई डी तार, तो देखिए मिसाल तौर पे हम जिस तेरिए तार है वो स्टूल है और हम जो है किसी क्लास तेरिए त्रिएट तार है हम तार मानते चलते थे मैं जो त्रिएट तार हूँ मैं क्लास टेन तेरी त्रिएट तार हूँ, क्लास टेन जो है उसमें जो है 50 यानी तो बच्चे हैं। अब देखिए 50 बच्चे हैं तो मैं तो ये डिज़ाइन क्रिएट कर यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर मैं दोबारा खोलता हूँ फिर मैं इसे यहाँ से नया पेज खोलता हूँ फिर मैं यहाँ से जाते दोबारा सारी चीज़ें एडिट करता हूँ तो इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा। अगर हमने 50 बच्चों का जो इस तरह क्रिएट करना है तो इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा तो हमें जो है हमें तो जल्दी काम करना है। तो देखिए मैं आपसे सिंपल तरीका बताता हूँ,
तो देखिए सबसे पहले जो हम इस तो जो है बड़े देखिए नाम लिख दिया, स्टूडेंट नेम भी आप लिख लीजिएगा, क्लास सेशन फादर नेम और जो भी चीज़ लिखनी है लिख लिए। मान सकते हैं ये अब्दुल नईम है, इमेज भी दा दी है उसकी जिसका ये आईडी कार्ड है और स्कूल का नाम भी है लोहो भी। अब ये 38 हो गया, अब ये हम पहला बच्चे तेरी 38 आ रहे हैं, अभी 49 जो है वो बाकी है। तो आप क्या तेरी आप जब एक 38 कर ले दें तो आप यहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिए। आप यहाँ जाइए और ए तो जो है सिर्फ ए जो आपने डिजाइन क्रिएट किया उसे डाउनलोड कर लीजिए। तो देखिए आप तो तैनों में पता होएगा, तो जैसे अब जैसे थे मैं इसे यहाँ से बंद कर देता हूँ तो यहाँ जो मेरा डिज़ाइन होएगा, जैसे मैं होम में जाता हूँ तो यहाँ जो मेरा डिज़ाइन होएगा जहाँ से मैंने बंद किया होएगा उससे पहले जितना भी मैंने एडिट किया होएगा वो सेफ हो जाएगा। तो इसी ट्रिक का यूज़ करते हुए अब हमने जब अगले बच्चे तेरे जो है क्रिएट करना एडिट था तो उसमें क्या करते हैं हम यहाँ से नेम रेस कर सकते हैं, सेक्शन ये भी सारी चीज़ जो है रेस कर सकते हैं, सिर्फ मेन चीज़ जो वो रहने दे और जो इमेज लगाई थी जिस थी उससे भी हम कैंसिल कर देते हैं। तो अब हम जो अब हम क्या करते हैं इससे ये तो हो दी सेफ ठीक है, ये हमने बिल्कुल डिफॉल्ट आए सिंपल हमने टेम्पलेट क्रिएट कर दी। तो अब हम इसे जो है रे बंद कर देते हैं। तो मैं यहाँ से डैशबोर्ड में रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए डिज़ाइन जो मेरे पास आ गया, जैसे अब हम किसे क्लिक करे दे तो देखिए हमने जो टेम्पलेट बनाए थे सिर्फ टेम्पलेट आ दी। तो अब हम दूसरे बच्चे का जो उसी तरह जो इमेज या इमेज डाले थे नाम डाले थे डाउनलोड करे दे फिर जो है चीज़ें हटाते फिर हम सेव कर दे दे। तो इस तरह जो है हम बहुत ही जल्दी जो है अपने 50 जो बच्चे हैं जिनका हमने आईडी कार्ड बनाना है उनका हम बड़े जल्दी तरीके से बना ले दे। तो देखा आपने इतनी आसानी से जो आप किसी भी इदारे तेरिए तैनवा डॉट कॉम की मदद से आईडी कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप तो लाजमी आंसर कर दूँगा। तो बस इस कोर्स में इतना ही, इस कोर्स में हमने सीखा थे हम कैसे किसी भी सॉफ्टवेयर से हम प्रोफेशनल लेवल ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस कोर्स में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे वो क्वेश्चन नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप तो उस क्वेश्चन का लाजमी आंसर कर दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल तो सब्सक्राइब करिए और साथ में दबाइए बेल के आइकन तो ताकि आप तो मिले हर न्यू कोर्स की नोटिफिकेशन वो भी सबसे पहले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो भी आपसे स्क्रीन के ऊपर तो अमेजिंग वीडियो शो हो रही थी उन वीडियो तो भी लास्ट में देखिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।